एक बॉडीली डिल्यूजन्स क्या होते हैं, सोमेटिक डिल्यूजन्स एक अजीब तरीके के, उसके बारे में मैं एक केस स्टडी आपको बता रहा हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति रखी हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़का मेरे पास में आया, उसको उसके माँ बाप ने लाया, करीब करीब 30 साल की उम्र, और वो ये बता रहा है कि उसको ऐसे सेंसेशंस आ रहे हैं और वो उसका पक्का विश्वास है कि वो ऐसी हो रहा है। क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि मेरा भेजा जो है वो ऐसा बाहर निकलता है, ऐसा मुझे लगता है, और वो बाहर ऐसा हवा में ऐसा तैर रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि वो बाहर गया और वो तैर रहा है, मेरे को अंदर कुछ भी नहीं है। फिर कभी लगता है कि वो भेजा अंदर आके बैठ जाता है, और फिर ऐसा मैंने दबा दिया, इधर से इधर ऐसा दबा दिया जोर से, तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है, लगता है कि अभी सेट हो गया। फिर मैं इधर से दबाता हूँ, फिर लगता है कि सेट हो गया। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत पानी ऐसा हो गया भेजे में, और वो पानी ऐसा इधर से ऐसा नीचे 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 आ रहा है। ऐसी मुंडी किया तो ऐसा आता है, और ऐसी मुंडी किया तो ऐसा आता है। और फिर उसको बहुत बेचैनी हो जाती है, फिर बोलता नहीं ऐसा ऐसा होता ही है। उसको पूछा भी कैसा ऐसा होगा, ये भेजा कैसे बाहर आएगा, भेजा कैसा तैरेगा हवा में ऐसा, वो तो होता ही है, बोले सवाल ही नहीं आता। मतलब उसको वैसे फीलिंग्स, वैसे सेंसेशंस आ रहे, उसको ऐसा विश्वास है कि ऐसे ही हो रहा है। उसको दिखता नहीं था कि भेजा बाहर आया, ऐसा दिख नहीं रहा था उसको, ऐसे उसको फील होता था कि वो बाहर आ गया। फिर उसको और पूछा, बोले नहीं अभी ये कम से कम 3 महीने से ऐसा हो रहा है, कामकाज बंद है, किसी बातचीत नहीं करता, अपने में गुम रहता है, और उसको लगता है कि अभी इसमें कुछ तो भी मर जाऊंगा, ये कंटिन्यू से बांध के रख देंगे ये सिर को ऐसा टाइट, या फिर हाथ से ऐसा पकड़ के रखेंगे कि अच्छा लगेगा करके। और फिर उसको कभी लगता है कि नहीं अभी भेजा ही पूरा निकल गया अंदर से, और बहुत ही हल्का हो गया हूँ, और पानी हो गया, पानी इधर से बाहर आ रहा है। तो उसको बोला ठीक है अभी और क्या लगता है, तो बोले नहीं बस ये कब से हो गया, तो बोले वो साइकिल पे से गिर गया था, थोड़ा सा ऐसा लगा कि उसका भेजा हिल गया करके, और साइकिल पे से गिरने के बाद में उड़ गया। उठने के बाद में हुआ क्या कि वो साइकिल पे फिर बैठ के घर पे आ गया। करीब करीब घर पे आने को 10 से 15 मिनट हो गए, मगर उसको अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उसको सिर्फ इतना याद आ रहा है कि वो एक मार्केट में गया था साइकिल से, और मार्केट से आते आते कुछ तो भी हो गया, और बाद में वो घर में उसको बेड के ऊपर दिखाई दिया कि वो बेड के ऊपर है। फिर उसको बोला किसने लाया क्या, नहीं बोले मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं साइकिलिंग करते करते घर में आया, और बाकी ऐसा मुझे ब्लैंक हो गया जैसे। तो ये तरह एक इस तरह का एमनेसिया है, मतलब पोस्ट कंकशनल सिंड्रोम या पोस्ट कंकशनल एमनेसिया करके ऐसा बोलते हैं कि एक बार वो हेड इंजरी हो गई, थोड़ा सा ब्रेन हिल गया, उसके बाद में कुछ समय तक 5 10 15 मिनट उसको वो ख्याल ही रहता नहीं कि क्या हुआ करके, और वो होने के बाद में उसको लगा कि अपना भेजा चले गया, और वहाँ से उसको ये प्रॉब्लम हो गया। फिर उसको मैंने बोला ठीक है हम ऑब्जर्व करेंगे, आप रहो मेरे साथ में या हॉस्पिटल में रहो, बातचीत करेंगे और काउंसिलिंग करेंगे और मेडिसिन भी देंगे, तो उससे आपको अच्छा लगेगा। बोले मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप मुझे अच्छा कर दो, क्योंकि उसका उसके पूरे इन्वेस्टिगेशंस हो चुके थे, उसका MRI किया था वो नॉर्मल था, उसका EEG नॉर्मल था, उसको बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थे, उसको ना हेडेक की हिस्ट्री है, ना वॉमिटिंग की हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है, मगर ये सेंसेशन उसको हो रहा है। फिर उसको हमने एडमिट रखा, एडमिट रखने के बाद में उसको एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन दिया, मूड स्टेबिलाइजर दिए, और एक 8 10 दिन में उसको धीरे 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 ऐसा लगा कि अपना ब्रेन सेट हो रहा है करके। उसको काउंसिलिंग भी करते गए, और रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में भी उसको उससे बातचीत किया, उसको हिप्नोथेरेपी दिया, सम्मोहन उपचार, और धीरे 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 वो लाइन पे आना शुरू हो गया। तो इस तरह के ऐसे अजीब सिम्टम्स लेके पेशेंट आते रहते हैं, और वो हेड इंजरी के बाद में हो सकता है, बिना हेड इंजरी का भी हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर शेयर करो। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। तो इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, उनको अपना जीवन जो है वो सही ढंग से वो बिता सकेंगे, अच्छा काम कर सकेंगे, ये हमारी विजन है, और इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।